सब्सक्राइब कीजिए अजय एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को। लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कर लीजिए ऑल पे क्लिक। आप ज्वाइन भी कर सकते हैं अजय एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को। 59 रुपीज मंथली देने पड़ेंगे, फिर मिल जाएगी आपको हर क्लासेस की PDF फाइल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय एजुकेशन। कैसे हो आप सभी? आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का टेस्ट नंबर 22। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक गन्ना मिलों में प्रयोग होती है स्लिपरिंग मोटर, सिक्रोन्स मोटर, मोटर जनित्र सेट या डीसी कंपाउंड मोटर। वेरी गुड फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी डीसी कंपाउंड मोटर का यूज आधुनिक गन्ना मिलों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर लकड़ी, गत्ते, कपड़े की आग लगी हो तो निम्न में से यंत्र कार्य में लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा एसिड टाइप, फोम टाइप या CTC टाइप। वेरी गुड फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी फोम टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पर बारीक काम चल रहा है वहां प्रकाश होना चाहिए, 500 लुमन प्रति मीटर स्क्वायर, 1000 लुमन प्रति मीटर स्क्वायर, 1500 लुमन प्रति मीटर स्क्वायर या 2000 लुमन प्रति मीटर स्क्वायर। दोस्तों राइट आंसर होगा सी, यानी 1500 लुमन प्रति मीटर स्क्वायर प्रकाश होना चाहिए जहां हम बारीक काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त खनिज तेल का रंग प्रारंभ में होता है गहरा हरा, सफेद, भूरा, रंगहीन या पीला। वेरी गुड फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त खनिज तेल का रंग प्रारंभ में पीला होता है। नेक्स्ट है, माइका की पैरा विद्युत सामर्थ्य होती है, माइका यानी अभ्रक की, 15 से 20 kV प्रति mm, 2 से 6 kV प्रति mm, 12 से 17 kV प्रति mm या 20 से 60 kV प्रति mm। वेरी गुड फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी 20 से 60 kV प्रति mm होती है अभ्रक की पैरा विद्युत सामर्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैम्पर वाइंडिंग की जाती है दक्षता घटाने के लिए, मोटर को सेल्फ स्टार्ट होने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए या उपरोक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर होगा बी, यानी मोटर को सेल्फ स्टार्ट होने के लिए डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल वोल्ट मीटर यानी DVM प्रदर्शित करता है RMS मान, अधिकतम मान, औसतन मान या पिक टू पिक मान। वेरी गुड फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी औसतन मान प्रदर्शित करता है जो डिजिटल वोल्ट मीटर होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब के कार्यकाल पर सबसे अधिक प्रभाव होता है
निम्न वोल्टेज का उच्च वोल्टेज का ट्यूब के बराबर जलने व बुझने का या उपरोक्त सभी का। वेरी गुड फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी ये तीनों कारक जो हैं उनका प्रभाव पड़ता है फ्लोरोसेंट ट्यूब के कार्यकाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्लिप्ड फेज मोटर के परिभ्रमण की दिशा किस प्रकार बदली जा सकती है? परिभ्रमण यानी घूर्णन दिशा, दोनों वाइंडिंग के कनेक्शन बदलकर, निरर्सिंग स्टार्टर द्वारा, ब्रश स्थिति बदलकर या स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन बदलकर। वेरी गुड फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन बदलकर स्लिप्ड फेज मोटर की घूर्णन दिशा बदली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएमएफ से तात्पर्य है विद्युत चुंबक पर लगने वाला बल, एक मोटर द्वारा उत्पन्न बलागुण, दो धारावाहिक चालकों के मध्य बल या वोल्टेज सोर्स द्वारा उत्पन्न वोल्टेज। वेरी गुड फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी वोल्टेज सोर्स द्वारा उत्पन्न वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है बैटरी का बाहरी प्रतिरोध, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी का विद्युत वाहक बल या बैटरी का अपेक्षित घनत्व। वेरी गुड फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी बैटरी का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी श्रेणी मोटर को ऐसी सप्लाई दी जाए तब मोटर में अत्यधिक चिंगारी पैदा होगी, निम्न शक्ति गुणों पर चलेगी, मोटर की दक्षता कम होगी या उपरोक्त सभी। वेरी गुड फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी किसी डीसी श्रेणी मोटर को अगर ऐसी सप्लाई दी तो मोटर में चिंगारी पैदा भी होगी और शक्ति गुणक भी निम्न हो जाएगा और दक्षता भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वाटमीटर विधि से शक्ति मापी जा सकती है, केवल असंतुलित भार की, केवल संतुलित भार की, केवल संतुलित, अगला है संतुलित एवं असंतुलित दोनों प्रकार के भार की या केवल इकाई शक्ति गुणक के भार की। वेरी गुड फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी दो वाटमीटर विधि से संतुलित एवं असंतुलित दोनों प्रकार के भार की शक्ति मापी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटरों की उच्चतम दक्षता शून्य भार पर प्राप्त होती है, पूर्ण भार पर प्राप्त होती है, प्रत्येक भार पर प्राप्त होती है या अर्ध पूर्ण भार पर प्राप्त होती है। वेरी गुड फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी पूर्ण भार पर प्राप्त होती है विद्युत मोटरों की उच्चतम दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमानी विद्युत से ओवर हेडलाइनों की सुरक्षा हेतु लगाए जाते हैं रिले, तड़ित चालक, स्टार्टर या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा बी,
यानी तड़ित चालक लगाए जाते हैं आसमानी विद्युत से ओवरहेड लाइनों की सुरक्षा के लिए, जिन्हें हम एलए यानी लाइट अरेस्टर भी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सभी को दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने जितने भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं उसी प्रकार से आप सभी को शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए इस वीडियो को। तो आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।